आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज मैक्स और मैं हूं मुनमुन रहमान, एक बार फिर हाजिर हूं आज की ताजा खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। यूपी के उन्नाव में हैदराबाद जैसी हैवानियत गैंगरेप पीड़िता को जिंदा जलाया। कर्नाटक में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी, राज्य की 15 विधानसभा सीटों पर हो रहा है उपचुनाव। आसमान छूती प्याज की कीमत पर लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का अजीबोगरीब बयान, कहा मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूं जी। सलाम मुफ्ती ने महबूबा के ट्विटर पन्ने पर लिखा, भारत मुसलमानों का देश नहीं। और आइए अब तफसील से नजर डालते हैं खबरों पर। उन्नाव में फिर मानवता शर्मसार हुई है, यहां रेप पीड़िता को पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। 5 आरोपियों ने गांव के बाहर खेतों में युवती को जलाने की कोशिश की। मामले की 5 आरोपियों में से 3 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, जबकि 2 की तलाश जारी है। युवती 90% जल चुकी है और उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। गंभीर हालत को देखते हुए पीड़िता को लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। रेप पीड़िता के साथ इस साल मार्च में रेप की वारदात को अंजाम दिया गया था। जलाने वालों में से रेप के 2 आरोपी भी शामिल है। युवती को जिंदा जलाने की सूचना पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेजा, जहां से उसे लखनऊ रेफर कर दिया गया है। बेखौफ अपराधी युवती को जलाने के बाद मौके से फरार हो गए। पीड़ित युवती के साथ कुछ समय पहले दुष्कर्म हुआ था। इस घटना के जो आरोपी हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने ही युवती को जिंदा जलाने की कोशिश की। ये मामला उन्नाव जिले के बिहार थाना क्षेत्र के हिंदू नगर गाँव का है। दुष्कर्म पीड़िता गांव भाटन खेड़ा में पैदल रेलवे स्टेशन जा रही थी। आरोपियों ने बीच रास्ते में रोककर उसे आंख के हवाले कर दिया। इसी साल मार्च महीने में 5 युवकों ने इस लड़की के साथ दुष्कर्म किया था। इसमें 2 आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। कर्नाटक की 15 विधानसभा सीटों पर आज उपचुनाव हो रहा है। सुबह 7 बजे सभी सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई। उपचुनाव के नतीजे 9 दिसंबर को आएंगे। वही कर्नाटक में आज भारतीय जनता पार्टी की येदुरप्पा सरकार की अग्नि परीक्षा है। राज्य की 15 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, ऐसे में हर किसी की नजर इस पर टिकी है। येदुरप्पा सरकार का भविष्य भी इसी पर टिका हुआ है। सरकार बचाने के लिए भाजपा को इन 15 में से 7 से अधिक सीटों पर जीतना जरूरी है। कर्नाटक में पिछले साल कुमार स्वामी सरकार से बगावत करने वाले 17 विधायकों की वजह से राज्य की इन सीटों पर उपचुनाव की जरूरत आई। 17 में से 15 सीटों पर मतदान हो रहा है, जबकि 2 सीटों पर वोटिंग से हाईकोर्ट ने रोक लगाई हुई है। जिन सीटों पर आज चुनाव हो रहा है उनमें अठारी, कगवाड़, गोकक, येलापुर, रानी बेनूर, विजयनगर अन्य शामिल है। इसके अलावा मुस्की, आरआर नगर सीट पर चुनाव होना बाकी है। कर्नाटक में हो रहा ये उपचुनाव येदुरप्पा सरकार का भविष्य तय करेगा। अभी भाजपा के पास 106 सीटें हैं। राज्य में कुल 225 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन 2 सीटों पर चुनाव न होने की वजह से ये संख्या 223 रह जाएगी। यही कारण है कि बीजेपी को तब सरकार में रहने के लिए 113 के आंकड़े की जरूरत है, जिसके लिए 15 में से 7 सीटें जीतना जरूरी है। कांग्रेस के 68 में से 11, जेडीएस के 37 विधायकों में से 3 विधायक पहले ही बगावत कर चुके हैं। यही कारण है कि कांग्रेस जेडीएस की चिंता बढ़ती जा रही है। इन 15 सीटों में से 13 पर बगावती विधायक बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। देश में प्याज की कीमतों को लेकर आम आदमी बेहाल है और राजनीतिक दल मोदी सरकार पर इसे लेकर सवाल उठा रहे हैं। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने लोकसभा में कहा कि वह इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हैं और ऐसे परिवार से आती हैं जहां लहसुन प्याज का ज्यादा मतलब नहीं है। निर्मला सीतारमन के इस जवाब पर सदन में ठहाके लगे। हाँ, मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, सो डोंट वरी। मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ अनियन प्याज का मतलब नहीं रखते हैं। असल में संसद में प्याज खाने को लेकर लोकसभा में कुछ सदस्यों के सवालों पर निर्मला सीतारमन ने कहा, मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूँ जी, मैं ऐसे परिवार से आती हूँ जहाँ प्याज से मतलब नहीं रखते। वित्त मंत्री महाराष्ट्र के बारामती से एनसीपी की सांसद सुप्रिया सूले के सवालों पर जवाब देने के लिए खड़ी हुई। उसी दौरान कुछ सदस्यों ने सवाल किया था कि क्या प्याज खाती है। सदस्यों के इसी सवाल पर निर्मला सीतारमन ने यह जवाब दिया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी सना इल्तजा जावेद ने नागरिकता संशोधन विधेयक पर कैबिनेट की मोहर लगने पर नाराजगी जाहिर की है। अपनी मां का ट्विटर अकाउंट चला रही सना मुफ्ती ने कहा कि ये संकेत है
कि बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार मुस्लिमों का देश नहीं रहा। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले के बाद से ही महबूबा को हिरासत में रखा गया है। नागरिकता संशोधन विधेयक को बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। इस विधेयक को अगले सप्ताह लोकसभा में पेश किया जा सकता है। इस विधेयक में पड़ोसी देशों से शरण के लिए भारत आए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है। गौरतलब है कि नागरिकता संशोधन विधेयक का हर जगह विरोध किया जा रहा है। पूर्वोत्तर के लोग भी इससे नाखुश दिखाई दे रहे हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को हिरासत में लिए 4 महीने बीत गए हैं। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा हटाने के कदम से पहले केंद्र सरकार ने एहतियातन फारूक अब्दुल्ला समेत उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती समेत कई नेताओं को नजरबंद किया था। हांगकांग के पानी के एक जहाज को नाइजीरिया के तट के पास समुद्री लुटेरों ने अगवा कर लिया है। इसमें 18 भारतीय भी सवार है। समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने वाली एक वैश्विक एजेंसी ने ये जानकारी दी है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि भारतीयों के अगवा होने की खबर मिलते ही भारतीय दूतावास के अफसरों ने नाइजीरिया से संपर्क साधा है ताकि घटना के बारे में और ब्यौरा हासिल किया जा सके, साथ ही अगवा भारतीयों को रिहा कराया जा सके। समुद्र में जहाज की गतिविधियों पर निगरानी रखने वाले एआरएक्स मैरीटाइम ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि जहाज को समुद्री डाकुओं ने अपने कब्जे में ले लिया और जहाज पर सवार 19 लोगों का अपहरण कर लिया। इसमें से 18 भारतीय हैं, जबकि एक तुर्की नागरिक है। 3 दिसंबर की शाम को नाइजीरियाई तट के पास से गुजरते समय हांगकांग के झंडे वाले VLCC NAVE कॉन्स्टेलेशन पर समुद्री लुटेरों ने हमला किया। बता दें कि 2008 में सोमलिया के पास एडन की खाड़ी से 18 भारतीयों सहित 22 यात्रियों वाले एक पानी के जहाज को समुद्री लुटेरों ने बंधक बना लिया था। उस दौरान जहाज में भारतीयों के अलावा 2 फिलीपीन, 1 बांग्लादेशी और 1 रूस का नागरिक भी जहाज में सवार था। तो ये थी आज की ताजा खबरें। कल फिर हाजिर होंगे न्यूज़मैक्स की बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।